बात करेंगे अयोध्या की तर्ज पर किस तरह जबलपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए इस दौरान नर्मदा नदी के गौरी घाट में 51,000 दिए जलाए गए और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह समेत बीजेपी के तमाम विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। तो देखिए कल जहां अयोध्या में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो वहीं जबलपुर के नर्मदा घाट पर भी 51,000 दिए जलाए गए और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और इनके साथ ही तमाम बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मैं अपनी ओर से सभी को संस्कारधानी महाकौशल और मध्य प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। माँ से प्रार्थना है कि सभी के घरों में सुख समृद्धि और शांति का वास हो और वे इतनी शक्ति प्रदान करें। मेरे साथ मेरे सभी जनप्रतिनिधि साथियों को, भाइयों को, बहनों को कि हम निरंतर इस आयोजन को हर वर्ष माँ के चरणों में करते चलें। अयोध्या की तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर में भी दीप उत्सव मनाया गया। 51,000 दीपों से संस्कारधानी का नर्मदा का तट गौरी घाट आज जगमगा गया। ले जा शुआ आतिशबाजी हुआ और इसमें हजारों की तादाद में जबलपुर शहर के वासियों ने हिस्सा लिया, शिरकत की और सभी ने दीप जलाकर दीप उत्सव को इस भव्यता के साथ मनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में हम जिस तरीके से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है अब उसी तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर में भी पिछले 3 सालों से लगातार दीप उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ संस्कारधानी वासी, कैसा लगा सर मैम आज आपको जबलपुर? बहुत शानदार, और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, बहुत मजा आया। दीपावली के एक दिन पहले आप यहाँ दीप जलाए, कैसा लगा? ऐसा लगा कि त्योहार है, कैसा लगा? ऐसा हमें लगा कि आज हम साक्षात अयोध्या में विराजमान है, मतलब अयोध्या का फील जबलपुर में हो रहा था। और हम विशेष रूप से राकेश सिंह जी का अभी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, हर साल ऐसे प्रोग्राम हो। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अयोध्या ना जा पाए तो आज पूरी हो गई है। देखिए और भी लोग यहाँ पर आए जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ऊपर से भी ऊपर, बहुत बढ़िया। हम तो ऐसे भी आते हैं नर्मदा जी की आरती में, पर जो आज का था माइंड ब्लोइंग।